उत्तर प्रदेश शिक्षा बोर्ड 16 फरवरी से बोर्ड परीक्षा शुरू करेगा। इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। खास बात यह है कि बोर्ड परीक्षा की निगरानी के लिए 3 लाख वॉइस रिकॉर्डर से लेस सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों के लिए लिस्ट भी जारी कर दी गई है। आपको बता दें, बोर्ड परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश में कुल 8,753 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पिछले बार के मुकाबले इस बार परीक्षा केंद्र की संख्या 4.5% बढ़ाई गई है। इन केंद्रों पर 10वीं और 12वीं के 58 लाख से अधिक परीक्षार्थी एग्जाम में शामिल होंगे। अगर बात करें जिला बिजनौर की, तो पूरे जिले में 9 सिस्टम द्वारा 133 परीक्षा केंद्रों पर निगरानी रखी जाएगी। स्कूल इंटरमीडिएट प्रतिशतीय परीक्षाएं 16 मार्च से प्रारंभ होकर 4 मार्च को समाप्त होगी। इस वर्ष हाई स्कूल इंटर में 383 विद्यालय हाई स्कूल की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। 268 इंटरमीडिएट की परीक्षा में सम्मिलित होंगे। कुल 97,017 परीक्षार्थी हाई स्कूल इंटरमीडिएट के जनपद में सम्मिलित हो रहे हैं। इस वर्ष 133 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। समस्त परीक्षा केंद्रों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट, केंद्र व्यवस्थापक एवं अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक लगा दिए गए हैं। इस वर्ष की परीक्षा में शुरू से ही हाई स्कूल इंटरमीडिएट के प्रसिद्धि प्रश्न पत्रों को रखने के लिए एक स्ट्रांग रूम बनाया गया है। स्ट्रांग रूम केवल एक दरवाज़ा रहेगा और चारों तरफ जो भी खिड़की दरवाजे हैं सब पूरे बंद करा दिए गए हैं, सील करा दिए गए हैं। और स्ट्रांग रूम में जो पेपर रखे जाएंगे, इसमें केंद्र व्यवस्थापक, अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक और स्टैटिक मजिस्ट्रेट के संयुक्त रूप से रखा जाएगा, खोला जाएगा।